तो चलिए दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए आज एक और वीडियो। और गाइस, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 10,000 रुपये के अंदर तीन बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन्स के बारे में। गाइस, ऐसे तो यार काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स आपको मिल जाते हैं इस बजट रेंज के अंदर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये तीन स्मार्टफोन्स हैं जो कि यार आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पर गाइस आपको यार बेस्ट कैमरा देखने को मिल जाएगा, बेस्ट बैटरी लाइफ है, बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग और गेमिंग की परफॉर्मेंस भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, और हाँ दोस्तों यार स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं आपको कोई भी रैंकिंग नहीं बता रहा हूँ। और दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को जोर से दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज़ हिंदी। तो गाइस, आज हम यहाँ पर ब्रांड वाइज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रियलमी की तरफ से, और रियलमी की तरफ से दोस्तों आपको दो स्मार्टफोन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, रियलमी नार्जो 20 और रियलमी नार्जो 20A। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन्स इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट हैं अगर आप रियलमी की तरफ से कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रियलमी नार्जो 20A की। तो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 6.5 इंच की HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। बैक में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इमेज क्वालिटी की गाइस, तो यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी सबसे बेस्ट देखने को मिलने वाली है। और साथ ही दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का दमदार प्रोसेसर। तो गाइस अगर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चाहिए, लंबे समय के लिए आप फोन ढूंढ रहे हैं, तो आप इस फोन को जरूर से देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस की गाइस, तो यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कमाल की मिलेगी। और गाइस अगर बात करें यहाँ पर बैटरी लाइफ की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर गाइस आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप भी काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। गाइस इस फोन के अंदर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर बेस वेरिएंट गाइस 3 GB रैम 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ में, और ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 8,500 रुपये की प्राइस पर। और गाइस अगर बात करें दूसरे वेरिएंट की, तो 4 GB रैम 64 GB वाला जो वेरिएंट गाइस, ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है 9,500 की प्राइस पर। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएंट को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस अगर बात करें यहाँ पर रियलमी नार्जो 20 की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी, साथ ही दोस्तों यहाँ पर मल्टीटास्किंग के लिए, तो गाइस हैवी वर्क के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गाइस बात करूँ यहाँ पर इस फोन की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 4 GB रैम 64 GB की इनबिल्ट मेमोरी, और दोस्तों आप इसे एक्सपेंड कर पाएंगे 256 GB तक। दोस्तों बात करूँ यहाँ पर इस फोन की, तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन और लुक भी दोस्तों काफ़ी डिफरेंट सा देखने को मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों बात करूँ यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी 6.5 इंच की HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। गाइस अगर बात करें कैमरा की, तो बैक में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर दिए गए हैं, जहाँ पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का ही आपको यहाँ पर भी सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर इमेज क्वालिटी की, तो यहाँ पर भी आपको इमेज क्वालिटी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जाती है। तो गाइस अगर बात करें यहाँ पर बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट बैटरी देखने को मिल जाएगी, 6000 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है दोस्तों, जहाँ पर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोसेसर की गाइस, तो यहाँ पर आपको दिया है MediaTek Helio G85 का दमदार प्रोसेसर, जहां पर गाइस आपको परफॉर्मेंस में कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही दोस्तों यहां पर मल्टीटास्किंग और इजीली हैवी गेमिंग भी कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको एक हैवी गेमिंग वाले स्मार्टफोन चाहिए 10 से 10,500 की प्राइस पर, तो गाइस आप इस फोन को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए गाइस बात करते हैं अब यहाँ पर पोको की तरफ से, और पोको की तरफ से गाइस यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, पोको M2। इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है 6 GB तक की रैम, और साथ ही गाइस यहां पर आपको मिल जाएगी फुल HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहां पर इस फोन के मेन फीचर्स की, तो यहां पर आपको मिल जाएगी 6.5 इंच की फुल HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, जो कि गाइस इस प्राइस सेगमेंट में आपको किसी और फोन के अंदर नहीं मिलती है। और साथ ही गाइस अगर बात करूँ यहाँ पर कैमरा की, तो बैक में यहाँ पर आपको 4 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर बात करें इमेज क्वालिटी की यार, तो यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। चलिए गाइस बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको देखिए 5000 mAh की बड़ी बैटरी, जहाँ पर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और USB Type-C की पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी दमदार प्रोसेसर दिया गया है MediaTek की तरफ से, MediaTek Helio G80 का, जो कि गाइस काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। यहाँ पर भी दोस्तों आप मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा रैम स्टोरेज चाहिए, और दोस्तों आपको अच्छा प्रोसेसर हो, बड़ फुल HD+ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले हो, तो गाइस आप इस फोन को ज़रूर से देख सकते हैं।
इस अगर बात करें यहाँ पर Redmi 9 Prime की, तो यार ये स्मार्टफोन आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस 10,000 की प्राइस पर आपको पोको M2 भी मिल रहा है और Redmi 9 Prime भी मिल रहा है। लेकिन गाइस Redmi 9 Prime आपको सिर्फ 4GB रैम के साथ में देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन आपको 6GB के साथ में देखने को मिलता है। तो गाइस मेरे हिसाब से आज 6GB रैम के साथ में पोको M2 काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो गाइस आप इस फोन के साथ में जरूर से जा सकते हैं। गाइस अगर आपको एक बेस्ट कैमरा चाहिए, बेस्ट डिस्प्ले चाहिए और साथ ही दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो गाइस आप यार माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को परचेस कर सकते हैं। गाइस ये स्मार्टफोन आपको 11,000 रुपये की प्राइस पर मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन ऑफर्स के दौरान 10,000 रुपये की प्राइस पर मिलता है। और अगर गाइस आप बैंक ऑफर अप्लाई करते हैं तो गाइस ये स्मार्टफोन आपको 10,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर इस फोन की, तो यहाँ पर आपको यार बहुत कमाल की स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। साथ ही गाइस बात करें यहाँ पर इस फोन की, दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगी 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। इस बात करूँ कैमरा की, तो बैक में यहाँ पर आपको 4 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइस इस फोन का एक प्लस पॉइंट है। तो गाइस अगर आपको एक बेस्ट सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन भी चाहिए दोस्तों, तो आप इस फोन को जरूर से देख सकते हैं। और गाइस अगर बात करूँ बैक कैमरा की, तो बैक कैमरा से यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल की इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करूँ अगर बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर गाइस आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और यूएसबी टाइप सी की पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर भी आप दोस्तों इजीली मल्टीटास्किंग और हैवी गेमिंग कर पाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक हीलियो G85 का दमदार प्रोसेसर। और गाइस यहाँ पर आपको गारंटीड 2 साल के अपडेट्स के साथ में क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट दिया गया है, जहाँ पर गाइस आपको कस्टमाइजेशन के भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। गाइस अगर आपको एक बेस्ट फोन चाहिए और वो भी दोस्तों इंडियन ब्रांड की तरफ से, तो गाइस आप इस फोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी तरफ से टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।